एक पावर पॉइंट ओपन करती हूँ। आपको डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट मिल जाता है, तो आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस टाइप से यहाँ पे ही ओपन हो जाए। अगर आपको पावर पॉइंट डेस्कटॉप पे नहीं मिलता है, तब आप यहाँ से विंडो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सर्च बार में क्लिक कर दें, यहाँ पे आप सर्च करेंगे पावर पॉइंट, ये आ जाएगा पावर पॉइंट 2013। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से आपका पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट का यूज़ आप किस लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। अपन प्रेजेंटेशन किस पे तैयार करते हैं? पावर पॉइंट। आप देखने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिसेंट का। रिसेंट में आपको वो फाइल मिलती है जो पहले आप पावर पॉइंट पे तैयार कर चुके हैं। देखिए, जो भी फाइल आपने पहले इस पे तैयार की है, वो आपको यहाँ पे रिसेंट फाइल में मिल जाएगी। आपको न्यू फाइल बनानी है, उसके लिए आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिलेगी। ये जो है, ये आपकी स्लाइड रहती है। आप देखते हैं एमएस वर्ड में आप जिस पे बात करते हैं, वो आपका पेज रहता है। एमएस एक्सेल में सीट होती है। ऐसे पावर पॉइंट में ये आपकी स्लाइड होती है, यानी आप बोलते हैं स्लाइड। आप कहीं यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन वाली स्लाइड मिल रही है, आ रहे हैं बहुत सारे। अब इनमें से आप जो भी डिजाइन वाली स्लाइड यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से कौन सी स्लाइड आएगी? ब्लैंक वाली। अगर आप डिजाइन वाली लेना चाहते हैं, तो वहां से आप डिजाइन वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपका पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर जो आपका रहता है, अभी यहाँ पे क्या रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसे आप बोलते हैं टाइटल बार। इसे टाइटल बार क्यों बोलते हैं? इसे टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, प्रेजेंटेशन वन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये आपको टाइटल शो करवाता है। अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन वन आ रहा है। आप इसमें प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद इसे जिस भी नाम से सेव करेंगे, जैसे आप अपने नाम से प्रेजेंटेशन बना रहे, आप अपने नाम से इसे सेव कर देंगे, तो फिर आपको वही नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे टाइटल शो करवाता है, इसीलिए ये आपका रहता है टाइटल बार। फिर ये होम इंसर्ट डिजाइन, ये पूरा आपका मेन्यू बार रहता है। आप जब पूरे के साथ में बात करते हैं, तब मेन्यू बार रहता है। किसी एक की बात करते हैं, तब आप इसे क्या बोलते हैं? टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। ये पूरा आपका रहता है रिबन बार। रिबन बार में आप देखिए आपके अलग अलग ग्रुप बने हुए रहते हैं, क्लिप बोर्ड का, स्लाइड का, फॉन्ट का, अलग अलग ग्रुप बने हुए। ग्रुप किससे मिलके बनते हैं? आपके कमांड से मिलते हैं, कमांड से मिलते ग्रुप, ग्रुप से मिलते आपका पूरा रिबन बार। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्लाइड शो हो रही है, ये स्लाइड बन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये लेआउट शो हो रहा है, स्लाइड बन गया। आप जब फर्स्ट स्लाइड इसमें तैयार करते हैं, तो फर्स्ट स्लाइड अपन बनाते हैं यहाँ तो वेलकम की, यहाँ गुड आफ्टरनून की। जो स्लाइड आपको यहाँ पे फर्स्ट बनानी है, या तो आप वेलकम की बना सकते हैं या गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी फर्स्ट स्लाइड आपको यहाँ पे तैयार करनी है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अपन जो लिखना है वेलकम, इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है? टाइटल और सब टाइटल बताते हैं। अगर आपको इसका लेआउट यहाँ से चेंज करना है, ये इसका लेआउट है टाइटल और सब टाइटल वाला, आप क्या कर सकते हैं? इस पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है क्लिक टू एड टाइटल। इसकी इस लाइन पे आप जब यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पे आपको डॉट डॉट शो हो रहा है, आप कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आप इस पे यहाँ से क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया। ये फर्स्ट वाले स्लाइड का लेआउट आपके जैसा हो गया ब्लैंक। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो आपका टाइप नहीं होगा, नहीं हो रहा। इसमें टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इंसर्ट टाइप पे जाएंगे, यहाँ से वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे, आपको वर्ड आर्ट मिल रहा है। जिस भी स्टाइल में आपको वर्ड आर्ट लेना है, आप उस पर क्लिक कर देंगे, वर्ड आर्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे वेलकम। अपन ने यहाँ लिख दिया वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब आप इसे सिलेक्ट करके जहाँ आप इसे सेट करना चाह रहे हैं, आप इसे यहाँ से उठा के सेट भी कर सकते हैं। मूव कैसे हो रही है? आप देखना इसके ऊपर आपको लाइन शो हो रही है। आप जब लाइन पे क्लिक करेंगे,
माउस से, फिर आप इसे यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करना है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाके यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। क्लियर, आपकी फर्स्ट स्लाइड यहाँ से तैयार हो जाएगी। अब आपको इसमें सेकंड स्लाइड लेनी है। सेकंड स्लाइड में आप तैयार करते हैं अपना इंट्रोडक्शन, आपका नाम थोरसन है। तो अब आप सेकंड स्लाइड न्यू स्लाइड लेने के लिए इस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करेंगे, तब आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड पे। यहाँ से आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ आपको होम टैब में एक ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का। आप इस न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तब भी आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड के लिए ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आपको लेआउट मिल रहा है जिस लेआउट में आपको लेना है, लेकिन जब आप इस स्लाइड पे राइट क्लिक करते हैं तब आपको लेआउट के लिए ऑप्शन नहीं मिलता। सिर्फ आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं लेआउट कैसा आता है, जैसा फर्स्ट वाली स्लाइड में लेआउट आपका था। जब आप यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो आपको लेआउट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी लेआउट में आपको यहाँ से न्यू स्लाइड आपको लेनी है उस स्लाइड में न्यू स्लाइड आपको यहाँ से आ जाएगी उस लेआउट में। अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले का लेआउट अपन ने यहाँ से ब्लैंक कर दिया किया था, लेकिन कैसे किया था, आपने इस पे क्लिक करके उसे डिलीट कर दिया था। तो फर्स्ट वाला जो स्लाइड थी उसका लेआउट तो ब्लैंक हो गया था, लेकिन सेकेंड वाले में कैसा आ रहा है, टाइटल और सब टाइटल सेम वैसा ही आ रहा है। टेस्ट के लिए आप चाहते हैं जब आप इसमें न्यू स्लाइड लें वो भी आपके ब्लैंक आना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, इसका लेआउट आप होम टैब पे से चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं होम टैब पे आपको लेआउट के लिए ऑप्शन मिल रहा है, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, अलग अलग लेआउट आ रहा है, जिस भी टाइप का लेआउट आपको सिलेक्ट करना है। आप ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, वो लेआउट यहाँ से ब्लैंक हो जा रहा है। अब आप जब इस स्लाइड पे राइट क्लिक कर दें न्यू स्लाइड लेंगे तो न्यू स्लाइड भी आपकी ब्लैंक ही है, देखिए ब्लैंक आ रही है। अब आप सेकंड स्लाइड किसी तैयार करते हैं इंट्रोडक्शन की अपने नाम, उसके लिए भी आप इंसर्ट पे जाएंगे। पहले यहाँ से आप वर्ड आउट सिलेक्ट करें, अब आप यहाँ लिखेंगे नेम, ठीक है, आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे सोर्स नेम। अब आप इसे भी उठा के मूव करके यहाँ पे रख सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे आपने नाम डाल दिए और सोर्स नेम डाल दिए। आप जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप इंट्रोडक्शन जैसे देते हैं अपना नाम बोलेंगे, फिर आप सोर्स नेम बोलेंगे, फिर आप इसमें सेंटर का नाम भी बोलेंगे। आप यहाँ पे सेंटर का नाम भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से आप वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, सेम वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं और चॉइस है और वर्ड आर्ट लेना है किसी और डिजाइन में तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ लिखते हैं आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर, ये इसका साइज भी आप बड़ा करना चाहते हैं सिलेक्ट करके आप होम टैब पे जाएंगे, इसका फ्रंट साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आपको करना है। क्या सो तो हो रहा है, ये बोल रहे हैं ये वर्ड आर्ट की स्टाइल अलग है, इस वर्ड आर्ट की स्टाइल अलग है, इसलिए लिखा तो आपने दोनों वर्ड आर्ट से। क्लियर है इतना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ब्लैंक शो हो रहा है, यहाँ पे आप सेंटर का लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑफलाइन पिक्चर का ऑनलाइन पिक्चर का। ऑफलाइन पिक्चर वो रहती है जो पहले से आपके कंप्यूटर में सेव होती है, और ऑनलाइन पिक्चर जो आप डायरेक्ट नेट पे से सर्च करना चाहते हैं। अभी आप देखें अपन ऑफलाइन पिक्चर के लिए पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाए। आप सिलेक्ट करेंगे लोकेशन, आपकी पिक्चर कौन सी ड्राइव में सेव है, आपकी पिक्चर दिस पीसी में सेव है, दिस पीसी में एफ ड्राइव है। अपन एफ ड्राइव ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लोगो मिल रहा है, आप लोगो पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, लोगो अपना यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसका साइज बड़ा है, आप इस पर क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो रहा है,
आप इसका साइज यहाँ से छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जिस टाइप से ये छोटा करना, जितना साइज आप इसका छोटा करना चाहते हैं, और आप इसे सेट करके रख सकते हैं। तो सेकंड स्लाइड आपके यहाँ से तैयार हो जाएगी। क्लियर। अब आप यहाँ से थर्ड स्लाइड बनाते हैं, टॉपिक नेम की, जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। देखिए अभी तक आप प्रेजेंटेशन तैयार कर, अपन ने इसमें ऑफलाइन पिक्चर ली थी, और किस पे ली थी, स्लाइड के ऊपर। आप इसमें ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखने से ज़्यादा पिक्चर वगैरह और हेडिंग का यूज़ करते हैं। फिर टेक्स्ट भी आप लिखते हैं, लेकिन जितना टेक्स्ट आप लिखेंगे उतना पहले आप पढ़ेंगे, फिर आप टेक्स्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप टेक्स्ट कम लिखते हैं, हेडिंग और पिक्चर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिससे सामने वाले पर्सन को समझ में भी ज्यादा अच्छे से आता है। अब आप यहाँ पे टॉपिक नेम लिख रहे हैं, टॉपिक के लिए आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं। पहले अपन टॉपिक नेम लिख लेते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ डालेंगे टॉपिक नेम, जिस भी टॉपिक पे आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, अपन डाल लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। मानव जीवन में कंप्यूटर का महत्व, आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे। अब आप देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन ह्यूमन लाइफ की पिक्चर, अगर आपके कंप्यूटर में सेव है तो आप ऑफलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करेंगे। आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। सर्च होने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर मिल जाएंगी, देखिए आ रहे। अब इनमें से जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है, आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसका साइज भी आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, जिस भी टाइप से आपको पिक्चर यहाँ पे सेट करना है, आप उस टाइप से पिक्चर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए ये पिक्चर अपन ने किसके ऊपर ली है, स्लाइड के ऊपर। अभी तक अपन जो भी एडिंग कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं, स्लाइड के ऊपर। अभी आपने ये पिक्चर स्लाइड के ऊपर ली है, आप इसे मूव कर पा रहे हैं, पिक्चर का साइज छोटा और बड़ा कर पा रहे हैं, इतना क्लियर है आपको? चलिए अब अगर आपको स्लाइड के बैकग्राउंड में एडिंग करना है, तब आप क्या करते हैं, इस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, लास्ट शर्ट फॉर्मेट बैकग्राउंड, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट है सॉलिड फिल, अगर आप इसमें सॉलिड कलर फिल करना चाहते हैं, तब आप यहाँ से कलर के ड्रॉप, पहले आप सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे, फिर आप कलर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बजट बना हुआ रहा। अब आप देखिए इसमें जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस कलर पे आप क्लिक कर देंगे, वो कलर यहाँ से आपकी स्लाइड में फिर हो जाएगा। यहाँ से पहले आप सॉलिड कलर सिलेक्ट करेंगे, तो कलर का ऑप्शन है, इसके पास में बजट बनी हुई, आप इसे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर दें, यहाँ से जो भी सॉलिड कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दें, वो सॉलिड कलर यहाँ से आपकी स्लाइड में फिर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन रहता है ग्रेडियंट फिल, आप इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करना चाहते हैं, तब आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे, तब आपको यहाँ पे पेंसिल मिलती है। अब ग्रेडियंट कलर क्या होता है, ग्रेडियंट कलर होता है जो आप तीन चार कलर से मिलके बनाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ग्रेडियंट कलर के लिए पेंसिल मिल रही है, यहाँ पे अभी आपके पास चार पेंसिल है, आप सिलेक्ट, जैसे अब आपको ग्रेडियंट कलर तीन कलर से मिलके बनाना, तो आप एक पेंसिल यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, उस पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे,
यहाँ से आप रिमूव पेंसिल पे क्लिक कर देंगे, पेंसिल आपकी रिमूव हो जाएगी। ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड पेंसिल पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से पेंसिल ऐड हो जाएगी। अब आप इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। अब आप यहाँ से कलर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, वो कलर यहाँ से इसमें फिल हो जाएगा। फिर आप सेकंड पेंसिल पे क्लिक करेंगे, इसमें कलर सेलेक्ट करेंगे। ऐसा ही आप थर्ड पेंसिल पे क्लिक करेंगे और इसमें आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर आप उसमें लेना चाहते हैं। देखिए तीन कलर आ रहा है। अब तीन कलर को आप जिस भी टाइप से सेट करना चाहते हैं, पेंसिल तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है टाइप का, आप यहाँ से टाइप के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है। आप लाइनर रखना चाहते हैं, रेडियल पे क्लिक करेंगे तो ये रेडियल में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं, आप पाथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी टाइप से आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर इसमें फिल करना चाहते हैं, जो भी आप टाइप इसका यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखिए आप लाइनर पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके नीचे डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्शन का ऑप्शन यहाँ से हाईलाइट होगा। आप डायरेक्शन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप टाइप सेलेक्ट करते हैं रेडियल, तब भी आपको डायरेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके अब आप रेडियल की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप थर्ड सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर, तब भी आपका डायरेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होता है, लेकिन आप फोर्थ वाला सेलेक्ट करते हैं पाथ, तब डायरेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता, पाथ की डायरेक्शन एक ही रहती है, वो यहाँ से सेट हो जाती है। इतना कर लेंगे आप लोग, अभी आप लोग इतने तैयार करना, इतने में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लें। इसीलिए तो अपन ने यहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर आपकी ज़्यादा बड़े साइज की होती है जो इंसर्ट नहीं हो पाती है, तब आप यहाँ से पिक्चर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जब वो पिक्चर ऑनलाइन इंसर्ट हो रही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? अभी आप लोग इतना तैयार करेंगे, फिर आप इस प्रेजेंटेशन को इतना सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप फाइल पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग से आपको ओपन हो जाएगा। आप सिलेक्ट करेंगे लोकेशन, किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, जिस पीसी में, जिस पीसी में कौन से ड्राइव में आप इसे सेव करना चाहते हैं। आप अपना सी ड्राइव में कोई भी डेटा सेव नहीं करते, आप पता है जिस पीसी में आपको जो ये फोल्डर मिलते हैं ऊपर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, इन सब में भी अपन अपना कोई डेटा सेव नहीं करते, ना ही आप जिस पीसी में सेव करते, सी ड्राइव में। सी ड्राइव को छोड़ के जो ड्राइव आपको यहाँ पे मिल रही है आप अपना डेटा उसमें सेव करते हैं, वो ड्राइव आप यहाँ से ओपन करना, जैसे अपन जी ड्राइव में करना, फिर आप यहाँ पे नाम दे देंगे। और आप यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे, वो प्रेजेंटेशन यहाँ से सेव हो जाएगा। आप लोग इतना तैयार कर लेंगे, क्लियर है इतना सबको? कोई डाउट हो तो आप पूछ लें।